व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए और सेफ हो गए कोविड 19 से। मैं भी सही हूँ और कोविड 19 से बहुत सेफ हूँ, क्योंकि यार प्रोडिक्शन पूरी चलती है अपनी। मास्क, सैनिटाइजर सब लेके घूमते हैं यार, जहाँ भी जाना है व्लॉग करना है ये चीज़ें प्रायोरिटी पे रहती है। बट कहीं कहीं जगह मास्क तो प्रायोरिटी रहता है बट सैनिटाइजर भूल जाता हूँ, तो ठीक है चलता है। इतना कोई वो कहते हैं ना, टचिंग वगैरह नहीं होती, दूर से जय माता दी होती है आजकल। सो गाइज, एज यू गाइज नो, आपको टाइटल और थंबनेल से आज के ब्लॉग के बारे में पता ही लग चुका है। तो आज हम करने चाह रहे हैं हमारे न्यू कैमरा की अनबॉक्सिंग। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, हम ले चुके हैं एक नया कैमरा, सोनी का एल्फा है कोई नंबर। अब मैं ऐसे बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा यार। देखो बात ऐसी है ना, हर चीज़ जल्दी बता दे तो मज़ा नहीं आता ना, तो धीरे धीरे रास खुलेंगे। तो पहले आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं। सो कैमरे की आपको मैंने एक झलक तो दिखा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात आती है। देखो सबसे बढ़िया कमेंट जो होगा ना इस वीडियो के ऊपर, उसको दिया जाएगा अलग तरीके से शाउट आउट, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में और बढ़िया सा कमेंट करो इस वीडियो के ऊपर, अगर आपको चाहिए बढ़िया तरीके से शाउट आउट। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें हर बार ही बोलता हूँ। पहली बात, कृपया करके लाइक के बटन को दबा दीजिए। दूसरी बात, अगर चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए। यार देखो, वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हो आई होप। सो हमारा जो कैमरा है वो है सोनी एल्फा 5100, विच इज़ अ बिगनर कैमरा फॉर अ व्लॉगिंग पर्पस। तो जल्दी से करते हैं अनबॉक्स इसे और आपको दिखाता हूँ। देखो मैं ना सही बता रहा हूँ, मैं ना जिस दिन ये कैमरा उठा के लाया मैं उसी दिन अनबॉक्स कर दिया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं इसलिए डायरेक्ट कैमरा दिखाने वाला हूँ, मेरे से ये मत एक्सपेक्ट करना मैं प्रॉपर अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, वो कहूँगा ओ मेरा प्यारा कैमरा, मेरा बाबू कैमरा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं नॉर्मल कैमरा दिखाने वाला हूँ जो मैं लाया हूँ, और उसके साथ जो सामान मिला वो दिखाने वाला हूँ। मैं इतना हाई फाई क्वालिटी एक्सपेक्ट ना करना मेरे से, कृपया करके, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस, दिस इज द बॉक्स फॉर माय सोनी एल्फा 5100। इसके साथ जो मुझे लेंस मिले वो लेंस आप देख सकते हो, उसमें पता रखा है 1650 का लेंस मिला और इसकी स्क्रीन ऊपर हो जाती है, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। वाईफाई वगैरह है ही है, 1080p में फुल ये रिकॉर्ड करता है। टच स्क्रीन भी थोड़ा बहुत है, फोकस और शटर के लिए है। बिल्ट इन फ्लैश है, 24.3 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। और भाई जब मैंने शूट करा ना इसमें, मेरे को दिल खुश हो गया। ये भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता रखी है, मैन्युफैक्चरिंग है नॉल, पीछे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब इतना टेक्निकलिटी में ना मैं जाना नहीं चाहता सच बताऊँ तो। बट ये सिर्फ इसमें ये देख लो एक्सेसरीज क्या क्या मिलने वाली है। AC अडाप्टर, रिचार्जेबल बैटरी, माइक्रो USB केबल, शोल्डर स्ट्रैप एंड स्टैंडर्ड जूम लेंस। और यहाँ पे भी आपको चीज़ें पता रखी हैं, एक्सेसरीज जो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो पूरा ये ऊपर डब्बे के भी आपको चीज़ें बता रखी हैं थोड़ी बहुत, कि वाईफाई है, ई माउंट है। तो जल्दी से ना अब आपको इसे खोल के दिखाई देता हूँ मैं। देखो मैं पहले ही बोला था अनबॉक्स नहीं करने वाला, मेरे इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, दो चार चीज़ें छोड़ के वो दिखा देता हूँ सिर्फ। तो दो चार चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह हैं। मतलब काफ़ी प्रॉपरली मैंने इसे पैक नहीं करा जब मैंने इसे खोला था, तो इसलिए थोड़ी अनबॉक्सिंग में हो रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। आपका मेमोरी कार्ड तो यहाँ आ जाता है, मेमोरी कार्ड था इसका 16 GB का मेमोरी कार्ड था, जो मैंने कैमरा में ऑलरेडी डाल दिया। मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ डाला है कहाँ नहीं, कैमरा के अंदर किस एरिया में है। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं, तो पहले दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये थोड़ा वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में बता रखा है, उसके बारे में, उसके बाद सोनी के लेंसेज के बारे में, थोड़ा एक्सेसरीज के बारे में बता रखा है कुछ तो है ये भी। ये वारंटी कार्ड है मेरा जो मेरे कैमरे के साथ मुझे मिला है, उसके बाद कस्टमर के लिए कुछ है ये भी, एंड ये क्या है इंटरचेंजेबल लेंस का तरीका बता रखा है। तो अब जल्दी से ना मैं आपको अडैप्टर दिखाता हूँ। पहले तो इसका ये रहा, इसका अडैप्टर चार्जिंग के लिए, और उसके साथ ये जो माइक्रो USB केबल मिली है जो यहाँ अटैच कर दिया मैंने, और इसका अडैप्टर जो है ये रहा प्रॉपर, ये इसका अडैप्टर है। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इसे ना अनबॉक्स कर चुका हूँ, जिस दिन लाया था उस दिन ही अनबॉक्स कर दिया था मैंने इसे। कुछ ऐसा वो नहीं करा था कि ध्यान से रखूँ, बहुत संभाल के रखूँ, अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। तो अब जो कैमरा है वो कहाँ है,
तो इसके साथ हमें मिलता है ये सोनी का बैग, आप देख सकते हो पहले तो इसके अंदर है हमारा कैमरा। तो पहले कैमरा को बॉक्स को खोलना पड़ेगा पहले ढंग से। और अगर आप पीछे देख रहे हो तो मेरे रूम बहुत मेस्ड अप हो रखा है, यहाँ पे देखो ड्रोन चार्जिंग पे है, और मतलब मैंने बहुत कलेश कर रखा है मेरे रूम में, मैं कभी साफ ही नहीं रखता। और देखो वो देखो मेरे राइडिंग गियर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये मेरी जैकेट ऐसे ही पड़ी रहती है। तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या करा जाए यार, टाइम नहीं होता इतना, मैं सच बता रहा हूँ। तो अब ऐसे ही रहता है। तो ये आ गया हमारा कैमरा बाहर। जो शोल्डर स्ट्रैप की बात कर रहा था, वो शोल्डर स्ट्रैप भी मैंने इस पर ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। अगर आप देखो तो ये काफ़ी मतलब इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, लेंथ में कोई बुराई नहीं है, इसकी शोल्डर स्ट्रैप की लेंथ काफ़ी अच्छी है। तो अब कैमरा की बात कर ली जाए तो ये कैमरा है अपना न्यू सोनी अल्फा 5100 एंड काफ़ी सही है कैमरा, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे ऑन करोगे यहाँ पे देख सकते हो आप, बटन्स दिखा देता हूँ मैं आपको पहले, तो यह आप बटन्स देख सकते हो, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है यहाँ पे, ये मूवी का बटन है, और यहाँ से ये जो आप लेंस एडजस्ट करना चाहते हो उसके लिए, ये देख लो अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे ऑन हो गया हमारा कैमरा, लेंस बाहर आ गया, उसके बाद यहाँ पर ये फ्लैश का बटन है, ये फ्लैश यहाँ से ऑन हो जाती है, और फ्लैश को ऑफ करना हो ये फ्लैश ऑफ होगी। ये हमारा रिकॉर्डिंग का बटन है, अगर आपको रिकॉर्ड करना है कुछ उसके लिए। अब बात करी जाए दूसरी चीज़ों की, तो अभी यहाँ पे लेंस कैप लग रखी है, मैंने लेंस कैप नहीं उतारी है। टेक्निकली बात करी जाए तो मेन्यू में जाके आपको ढेर सारी सेटिंग्स मिलने वाली है, जैसे ये देखो ढेर सारी सेटिंग्स, रज रज की सेटिंग्स है। तो अपने आप देखना ये सेटिंग्स ना, मैं अगर वीडियो चाहिए इसके ऊपर अलग से तो मेरे को बता दो, तो अलग से सेटिंग्स के ऊपर इसके वीडियो बना दूंगा मैं, वैसे मुश्किल है। और बाकी ये देखो मैंने अभी फ़ोटो, यार ये देखो फोटो, देखो तुम तो खींच मेरी फ़ोटो, तू फोटो देखो यार कितनी सही आ रखी है ना, नए कैमरे से फ़ोटो दो मतलब मज़ा ही आ गया। और ये वीडियोस जो आप देख रहे हो ये जल्दी ही आने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर, जो मैं शूट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका एक वॉक अराउंड टाइप छोटा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, कैमरा कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद बात करते हैं। टर्म्स की बात करी जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साइड पे आपको मिल जाता है आपका माइक्रो यूएसबी जैक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ये एचडीएमआई पोर्ट मिल जाएगा, ये हमारा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये 16GB का सोनी का मेमोरी कार्ड है, तो वो मैंने अभी इंसर्ट करा हुआ है इस साइड पे, यहाँ पे इंसर्ट होता है आपका मेमोरी कार्ड। एंड दूसरी साइड आपका ये नीचे आप देखोगे तो ये आपका बैटरी का पॉइंट है, एंड ये आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ, ये है बैटरी हमारी, बैटरी ठीक है, अभी मैंने कुछ देर थोड़ा शूट करा है तो बैटरी मुझे ठीक लग रही है, बट थोड़ा टाइम के लिए बाद हाँ मुझे लग रहा है कि बैटरी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसका बैटरी अब जो है बढ़िया तरीके से लॉक दे रखा है ओपन एंड क्लोज करने का, तो काफ़ी सही है। नीचे ये ट्रैपॉड पर लगाने के लिए पॉइंट भी सही से दे रखा है, तो अच्छा है यार, लाइट वेट कैमरा है, काफ़ी अच्छा मज़ा आता है शूट करने में, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे शूट तो कर नहीं रहा क्योंकि इससे शूट करूँगा तो मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पहले मेरे स्मार्टफोन के अंदर, फिर उसके बाद सो झंझट एडिटिंग ये वो फलाना ढिंकाना। तो अभी अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करके मैं सही बता रहा हूँ बता दो, एक डेडिकेटेड वीडियो तसल्ली से बनाएंगे यार, बैठ के कुछ जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, तसल्ली से बैठ के बनाएंगे एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर, अपने कैमरा के ऊपर, क्योंकि अब तो घर पे ही रहना है, लॉकडाउन चल रहा है, जब बोलोगे वीडियो तैयार कर देंगे यार, कल बोलोगे कल डाल देंगे, बट बताओ क्या कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर इसके प्राइसिंग की बात करी जाए तो इसका प्राइसिंग मुझे करीबन करीबन पड़ा 26,000 रुपये, हाँ यार बढ़ गया, क्या कर सकता हूँ अभी। देखो बात ऐसी है ना, आपको क्वालिटी देनी है तो इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है, थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं। तो अभी आई थिंक ये वीडियो इतना ही रखना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक द कैमरा, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म्स मैंने बताया। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कोई पैसा नहीं लगता कमेंट करने का, तो आप जान सकते हैं। एंड बाकी मैं इसे उठा के लाया हूँ सैटरडे को, तो आज हमारी राइड भी थी एक्चुअली, तो राइड का वीडियो मैं कल डाल दूंगा यार, सॉरी यार गाइस मुझे ये डालना था, तो मैं राइड का वीडियो कल डाल दूंगा, वैसे भी कुछ राइड में खास नहीं था, ओके ओके टाइप ही थी, बट ठीक है डाल दूंगा कल मैं राइड का वीडियो भी। एंड कल बाकी जो नई राइड हुई अगर, तो यहाँ वीडियो आएगा,
वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि अगले हफ्ते से आ रही हैं एक से एक सुपर बाइक्स। हाँ जी, आपने सही सुना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो यार, और अगर कुछ पसंद आया, वो कुछ भी एक पॉइंट भी वीडियो में पसंद आया ना, कमेंट करके बता दो क्या अच्छा लगा है। और अगर कुछ नहीं पसंद आया वो भी बता दो, क्योंकि यार देखो भाई को, आपके भाई को यार इम्प्रूव करना है, जो आप बताओगे इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड, और जाते जाते मैं दो चीज़ें बोलने वाला हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बढ़िया सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और अगर ना इतना ही अच्छा लगे तो एक बेल आइकन का बटन भी है साइड में दबा दो। सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, एक बेल आइकन का बटन भी दबा सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते। चलो ज़्यादा लंबा नहीं करता इस वीडियो को, चाहता हूँ मिलते हैं अगले किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, एंजॉय, बी सेफ फ्रॉम कोविड 19। मिलते हैं दोस्तों जल्दी।